हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज डे 3 योगा, लाइव योगा ऑर्गेनाइज्ड बाय योग द्वार में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट सुनीता हस्तीजा एंड शी इज ऑल्सो योर होस्ट, माई डॉटर, माई प्राउड दिया हसीजा। अक्सर लोगों को बच्चे माँ बाप से प्रेरणा लेते हैं, लेकिन मेरे केस में उल्टा है। मुझे अपनी बेटी से प्रेरणा मिली है। किस चीज की? योग से जुड़ने की। मैं दिया से ही सीखी हूं। ये बचपन से योगा क्लास जाती है और इसका योगा में शुरू से ही बहुत इंटरेस्ट था। 8 8 साल से भी छोटी थी ये योगा से जुड़ी, और इसका योगा के प्रति रुझान, रुचि देखने के बाद इससे इंस्पायर होके इसने हमें पूरे परिवार को योगा से जोड़ा है। तो ये है हमारी ताकत, हमारा प्राउड, हमारी प्रेरणा दिया, हमारी दिया, आप सबकी दिया। तो इसका दिया का वेलकम करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है दिया मैम। और विदाउट डिले एक और बात, आज हमारा योगियों का दिन है। कौन सा? जैसे दिवाली, होली त्योहार, वैसे ही हमारा योगियों का त्योहार कौन सा है? योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे, जो हमें प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से सौगात में मिला है हम भारतवासियों को। तो उस हमारे त्योहार की आप सभी को बहुत बहुत ढेरों बधाइयां। और हमारे इस 3 दिन का जो एम था, यही एम था कि हम जन जन को, हर व्यक्ति तक योग को पहुंचाएं। जिस प्रकार हमारी फैमिली ने योगा से फायदा लिया है, उसी प्रकार आप सब भी योगा से जुड़े और उसका फायदा लें। यही हमारा उद्देश्य था, आप सभी को योगा के बेनिफिट्स, योगा से लाभ प्राप्त करें, योगा से जुड़े, योगा को अपने रूटीन में शामिल करें, हिस्सा बनाए अपनी लाइफस्टाइल, उसे शामिल करें। जिस तरह हम और चीजों के लिए वक्त निकालते हैं, अपनी हेल्थ अपने लिए, ये ज्यादा 1 घंटा नहीं, 60 मिनट, 70 मिनट नहीं, 45 मिनट निकालें और स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बस इसी शुभकामनाओं के साथ आज शुरुआत करते हैं। सीधे बैठ जाएंगे, स्ट्रेट, योगा यूनिफॉर्म में आ जाएंगे। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, पूर्ण पद्मासन या सुखासन, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। हाथों की चिन मुद्रा। चिन मुद्रा का क्या फायदा है? इससे हमारा कंसंट्रेशन पावर, एकाग्रता बढ़ती है, ध्यान बढ़ता है, माइंड पावर बढ़ता है। बिल्कुल स्ट्रेट, सीधा, ब्रेथ इन, स्लोली ब्रीद आउट। वन मोर टाइम, ब्रेथ इन, स्लोली स्लोली ब्रीद आउट। बिल्कुल आराम से, मन को शांत, माइंड बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे। ब्रेथ इन, स्लोली ब्रेथ
आउट। जब हम नॉर्मल सांसें लेते हैं तो 500 ml जो हमारी नॉर्मल सांसें चलती रहती है उनकी बात कर रही हूँ, उन सांसों में हम 500 ml तक ऑक्सीजन लेते हैं। जब हम डीप ब्रीथिंग करते हैं, गहरी लंबी सांसें लेते हैं, उसमें हम 5000 से 10000 ml तक ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं एक सांस में। तो सोचो गहरी सांसें लेने का कितना बेनिफिट है। जब भी आपका मन अशांत हो, एंजाइटी फील हो, आप गहरी लंबी सांसें लो, बैठ के मन को एकाग्र करके आप फील करेंगे कि आप उसी समय शांत होने लगेगा, आपका मन एकाग्र होने लगेगा। आगे बढ़ते हैं। ओम जो ब्रह्मांड का नाद है उसी से स्टार्ट करेंगे। 3 बार ओंकार जाप करेंगे। ओंकार के लिए श्वास भरेंगे, ब्रेथ इन। ओम शांति शांति शांति। मन ही मन गुरु का ध्यान करेंगे और प्रार्थना की शुरुआत करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरुवे नमः। दोनों हाथों का घर्षण, गरम हथेलियां, आंखों। आज 2 दिन हमने फर्स्ट डे पे किया था योगा फॉर बिगिनर्स बॉडी ओपनिंग, और सेकेंड डे पर हमने फ्लेक्सिबिलिटी पे काम किया था, ब्रेदिंग एक्सरसाइज ली थी। आज हमारा 3रा दिन लाइव क्लास का, और आज मैं आपको अपनी तरफ से गिफ्ट में ये एक योगा रूटीन देना चाहती हूँ, 1 घंटे का 45 मिनट का शेड्यूल देना चाहती हूँ, जिसे आप प्रतिदिन देख के और डेली आप कर सकते हैं, वो वीडियो लगा के आप योगा वो फॉलो कर सकते हैं। आपको मैं आज रूटीन योगा देने वाली हूँ जो आप डेली उसको कर सकते हैं। तो खड़े हो जाएंगे, स्टैंड अप। सबसे पहले वार्म अप से स्टार्ट करेंगे, नेक रोटेशन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, घुमाएंगे नेक को लेफ्ट साइड से, सांस लेते हुए ऊपर छोड़ते हुए नीचे। 1, 2 and 3,
रिवर्स घुमाएंगे, सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 1, 2 and 3। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप एंड डाउन। लेफ्ट सेंटर, राइट सेंटर, लेफ्ट सेंटर, राइट सेंटर, लेफ्ट सेंटर, राइट एंड सेंटर। शोल्डर्स 1 पूरे गोल, 2 सांसों के साथ, 3, 4, 5 रिवर्स, 1, 2, 3, 4, 5। हाथ शोल्डर पे ले लेंगे इस तरह, ब्रीद इन करते हुए ऊपर, 1, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, 2, 3, 4, 5। अपोजिट, 1, 2, 3, 4, 5। अप एंड डाउन करेंगे सांस को बाहर छोड़ते हुए। रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज लेंगे हैंड रोटेशन, लेफ्ट हैंड को रोटेट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अपोजिट, 1, 2, 3, 4, 5। राइट हैंड, 1, 2, 3, 4, 5। अपोजिट, 1, 2, 3, 4, 5। आर्म स्विंग करेंगे, 1, 2, 3, 4 and 5। चेंज, 1, 2, 3। ये थोड़ा इधर हो जाओ, नहीं दिख रहे हो आप, इसको थोड़ा साइड कर दो, 4 and 5। रिलैक्स, रिलैक्स हो जाएंगे। अभी दिया करेगी, दोनों पैरों में अंतर, गैप ले लेंगे पैरों में और करेंगे लेफ्ट साइड से जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, रिलैक्स हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ, आ जाएंगे दोनों हाथ ऊपर, सांस भरते हुए ताड़ासन, खींचेंगे पेट, हाथों को ऊपर, पेट को अंदर, इसमें अभी थोड़ा अप डाउन, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। दोनों पैरों में गैप दिया, आप थोड़ा इधर आ जाओ, दोनों पैरों में गैप कर लेंगे, फिर एक ताड़ासन करेंगे, जाएंगे लेफ्ट साइड से,
सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस भर लेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड वापस आएंगे, बीच में आके सांस भर लेंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड आ जाएंगे ऊपर, सांस भर लेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड आ जाएंगे धीरे धीरे ऊपर, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट, लास्ट टाइम करेंगे ब्रेथ इन ब्रेथ आउट एंड रिलैक्स। रिलैक्स हो जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स। पैरों में थोड़ा गैप ही रहेगा, हाथ सीधा रखेंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, धीरे धीरे ऊपर आएंगे, राइट साइड जाएंगे, हाथ स्ट्रेट कान के साइड में, सांस भर लेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड जाएंगे, रुकेंगे, वन टू थ्री फोर एंड स्लोली कम अप फाइव। दोनों पैरों में गैप बढ़ा लेंगे थोड़ा, हाथ सीधे करेंगे त्रिकोण आसन, वन टू, इसे भी सांसों के साथ करना है, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट, थ्री फोर फाइव, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट, सिक्स सेवन एट नाइन, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट, टेन, रिलैक्स। रिलैक्स हो जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स। बढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज की तरफ, दोनों पैरों में गैप, हाथ सीधे, ब्रेथ इन राइट साइड जाएंगे, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट लेफ्ट साइड, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, रिलैक्स। रिलैक्स हो जाएंगे, बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहेंगे, ब्रेथ इन करते हुए पीछे जाना है, बैकवर्ड बेंडिंग, ब्रेथ इन होल्ड, ब्रेथ आउट करते हुए आगे आना है, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट, बाउंस 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 एंड स्लोली कम अप, वापस करेंगे, ब्रेथ इन गो बैक, ब्रेथ आउट कम अप, ब्रेथ इन गो डाउन, ब्रेथ आउट करते हुए बाउंस बाउंस, हाथों को नीचे छोड़ के बाउंस करेंगे, बाउंस कमर के नीचे से बाउंस करना है, रिलैक्स। एक बार फिर से रिपीट करेंगे सेम एक्सरसाइज, ब्रेथ इन करते हुए पीछे होल्ड, जितना हो उतना करें,
डू एज मच एज पॉसिबल, ब्रेथ आउट करते हुए सामने आ जाएं, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट करते हुए बाउंस, कमर को बाउंस करेंगे, बाउंस। ये बाउंसिंग करने से और भी एक फायदा होता है, कौन सा? जो हमारी पीठ में समय के साथ एक गड्ढा बन जाता है, पीठ अंदर हो जाती है और पीठ में गड्ढा बन जाता है पेट बाहर आने की वजह से। जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं, जो हमारी बैक में पीठ में जो गड्ढा बन चुका है वो धीरे धीरे कम होता जाता है ये एक्सरसाइज करने से। गॉट इट? ओके, रिलैक्स हो जाएंगे, रिलैक्स। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ, रिलैक्स हो जाएंगे, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। दोनों पैरों में थोड़ा गैप, कमर घुमाएंगे, हिप रोटेशन, 1, 2, 3, 4, 5, अपोजिट, 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स हो जाएंगे, रिलैक्स। नीज पे आ जाएंगे, घुटनों को घुमाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, अपोजिट, 1, 2, 3, 4, 5, अप एंड डाउन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एंकल रोटेट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, अपोजिट, 1, 2, 3, 4, 5, अप डाउन, अप डाउन, अप एंड डाउन। दूसरी तरफ से, 1, 2, 3, 4, 5, अपोजिट, 1, 2, 3, 4, 5, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप एंड डाउन। रिलैक्स हो जाएंगे, गर्दन ऊपर, नीचे की बॉडी को नीला छोड़ देंगे, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, पूरी बॉडी को ढीला छोड़ देंगे, बिल्कुल ढीला, रिलैक्स, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। लेग्स को थोड़ा शेक करेंगे, थोड़ी काफ के लिए एक्सरसाइज कर लेंगे, काफ मसल्स, अप डाउन, अप डाउन, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। काफ मसल्स आर अवर सेकेंड हार्ट, दूसरा हार्ट बोलते हैं उसको, वेरिकोस की जिनको प्रॉब्लम है उनको काफ मसल्स के ऊपर वर्क करना चाहिए। ये एक्सरसाइज जो करेगा उसकी वेरिकोस की प्रॉब्लम ठीक होने वाली है। एक ये एक्सरसाइज वेरिकोस में, एक लेग अप, ये दोनों एक्सरसाइज कंपलसरी रहती है। रिलैक्स हो जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स। बढ़ते हैं आगे, आज हम करेंगे सूर्य नमस्कार।
स्टार्ट करेंगे। आ जाएंगे मैट पे आगे, बिल्कुल रिलैक्स, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। स्टार्ट करेंगे मंत्र के साथ। पहले सूर्य भगवान का आवाहन करेंगे। ओम सूर्याय नमः। पहला जो आसन है सूर्य नमस्कार में, प्रार्थना मुद्रा। वन टू टू, पहला था हस्त उत्तानासन, दूसरा हस्त पादासन। थ्री राइट पैर को दोनों हाथों के बीच मिलाना है। फोर भुजंगासन। फाइव पर्वतासन, अंदर देखने की कोशिश करेंगे। सिक्स अष्टांग नमस्कार, पेट ऊपर रहेगा, धरती पे टच नहीं रहेगा, हिप ऊपर। सेवन भुजंगासन या कोबरा पोज। एट पर्वतासन। नाइन चाइल्ड पोज। टेन लेफ्ट पैर आगे। इलेवन दोनों पैर साथ में। ट्वेल्व एंड रिलैक्स। इस तरह करना है सूर्य नमस्कार। फिर से करेंगे, देख देख के आप फॉलो करें। जिनसे सूर्य नमस्कार नहीं हो रहा है वो मैट पे चलते रहे, ठीक है? अगर नहीं हो रहा है तो मैट पे सिर्फ वॉकिंग करते रहेंगे, ज्यादा फोर्स नहीं करेंगे बॉडी को। डू एज मच एज पॉसिबल। बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करेंगे दूसरा। ओम मित्राय नमः। वन सांस भरते हुए पीछे, टू सांस छोड़ते हुए आगे, थ्री फोर, दे थोड़ा पीछे हो जाना, पीछे हो जा, फाइव सिक्स सेवन, सांस भरते हुए सेवन, एट नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व। एक आखिरी सूर्य नमस्कार करेंगे। ओम भानवे नमः। ब्रीद इन गो बैक। वन ब्रीद आउट कम फॉरवर्ड। टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ब्रीद इन करते हुए सेवन, ब्रीद आउट करते हुए एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। रिलैक्स हो जाएंगे, रिलैक्स, लेट जाएंगे शवासन की स्थिति में। इस तरह के आप
डेली रूटीन में आप 11 सूर्य नमस्कार, धीरे धीरे बढ़ा के 21 सूर्य नमस्कार, जितनी आपकी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाए, आप सूर्य नमस्कार को और बढ़ाते जाएं। क्यों? सूर्य नमस्कार 12 आसनों का एक एक सूर्य नमस्कार में 12 आसन हो जाते हैं। अगर हम डेली रूटीन में सिर्फ थोड़ा वार्म अप, थोड़ा सूर्य नमस्कार और 3 प्राणायाम, कौन से? आप सभी लेट जाएं, दोनों पैर फैला के हथेली आकाश की तरह, 3 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तीनों प्राणायाम आप डेली करते हैं। और बस इतना रूटीन, वार्म अप, सूर्य नमस्कार और ये 3 प्राणायाम तो आपके लिए सफिशियंट है। डेली रूटीन में इतना योगा भी, इससे भी आपको बहुत सारे बेनिफिट, हेल्थ बेनिफिट मिल जाएंगे। रिलैक्स हो जाएंगे, थोड़ा बॉडी को रिलैक्स करेंगे, आ जाएंगे शवासन की स्थिति में, दोनों पैर फैला देंगे, हथेलियां आकाश की तरफ, गर्दन दाएं या बाएं एक साइड, आंखें बंद, बिल्कुल शांत, माइंड बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है। पैर की उंगलियों से लेकर सर, बाल, खोपड़ी, शरीर का प्रत्येक अंग ऑब्जर्व करना है मन में, और उसे धीरे धीरे करके ढीला छोड़ते जाना है। लेफ्ट लेग, लेफ्ट पैर, लेफ्ट घुटना, लेफ्ट थाई, राइट पैर, राइट घुटना, राइट थाई, स्टमक, बैक, शोल्डर, लेफ्ट पाम, लेफ्ट हैंड, राइट पाम, राइट हैंड, नेक, फेस, आंखें, पूरा शरीर बिल्कुल ढीला, शिथिल, अपना पूरा भार जमीन पे छोड़ के खुद बिल्कुल लाइट, बिल्कुल हल्का महसूस करना है, शून्य, शिथिल, पूरी बॉडी रिलैक्स। शव के समान आसन लेना शवासन, जिस प्रकार शव मूवमेंट लेस रहता है उसी प्रकार। अभी अपना ध्यान श्वासों पे ले आएंगे, श्वासों की आते और जाते हुए देखेंगे किस तरह मेरी श्वास आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। पूरा ध्यान श्वासों पर। कुछ देर ऐसे ही रुकेंगे, श्वासों को आते और जाते हुए देखते रहना है। रिलैक्स हो जाएंगे,
अपना ध्यान श्वासों से हटाकर शरीर पे ले आएंगे। दोनों पैरों में मूवमेंट देंगे, दोनों पैर मिला देंगे, दोनों हाथ ऊपर पैर नीचे खींचेंगे, जोर से अंगड़ाई लेंगे, आईज बंद रहेगी, खींचेंगे बॉडी को, सुप्त ताड़ासन, रिलैक्स, दोनों हाथों का घर्षण, गरम हथेलियां आंखों पर, लेफ्ट करवट में आ जाएंगे, कुछ देर ऐसे रुकेंगे। उठ के बैठ जाएंगे अर्ध पद्मासन में। बिल्कुल रिलैक्स, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, बिल्कुल रिलैक्स। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। आज हम करेंगे थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। दिया करवाएंगी, माइक दे दूं दिया, आप गाइड कर लें। लेट्स स्टार्ट विथ सम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज मुझे देख के फॉलो करना है। बॉडी को से जितना हो उतना ही करना है, ज्यादा स्ट्रेच नहीं लेना। आप बिगिनर हो या योगा करते हो, हर किसी की अपनी अपनी बॉडी रहती है। मैं बहुत ईयर से योगा करती हूँ, मे बी मेरा आसन ज्यादा बेटर हो, आपका ना हो, तो ऐसा नहीं कि गलत है, बस अपनी अपनी बॉडी रहती है। तो जितना हो उतना ही करना है और मुझे फॉलो करना है। स्टार्ट करेंगे, एक हाथ ऐसा, राइट हैंड स्ट्रेट, राइट हैंड को स्ट्रेट अप करेंगे, बॉडी को ट्विस्ट करना है अपोजिट, सेम एक्सरसाइज दूसरी साइड से, लेफ्ट हैंड अप, बॉडी को ट्विस्ट करना है अपोजिट। ये एक्सरसाइज रिपीट करनी है हमें 10 टाइम, पूरी बॉडी स्ट्रेट, स्ट्रेट रहेगी बॉडी। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट। स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, होल्ड करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, relax, opposite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, relax। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से बॉडी पे थोड़ा सा स्ट्रेच आएगा, थोड़ा सा पेन होगा, बट बहुत अच्छी एक्सरसाइज, रिलैक्स हो जाएंगे। दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, दोनों हाथ स्ट्रेट अप, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट जाते हुए पूरी बॉडी डाउन, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, होल्ड अप, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट,
Breathe in and breathe out. Hold. Hold करना है. हाथों को आगे खींचते रहेंगे, स्ट्रेच देते रहेंगे आर्म्स में. हैंड्स को, हैंड्स पे स्ट्रेच आएगा. होल्ड. एंड रिलैक्स हो जाएंगे. बीच बीच में ब्रेथ करते रहेंगे, ब्रेथ लेते रहेंगे. ब्रेद इन, ब्रेद आउट. Breathe in and breathe out. Relax. Next exercise करेंगे. Body को twist करना है back से. Back. Back stretch लेना है. पूरी body को पीछे twist करेंगे. Opposite. सेम एक्सरसाइज करना है. वन, टू, थ्री, फोर, फाइव. होल्ड. होल्ड करेंगे, स्ट्रेच आएगा बैक पे. वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव. रिलैक्स. दूसरी तरफ से अपोजिट. वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव. रिलैक्स. रिलैक्स हो जाएंगे. दोनों पैर खोल देंगे. दोनों पैरों को शेक करेंगे. रोटेशन. अपोजिट, अप डाउन एंड रिलैक्स. नेक्स्ट करेंगे पश्चिमोत्तानासन. दोनों हाथ ऊपर. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. ब्रीद आउट जाते हुए पूरी बॉडी को स्ट्रेच देंगे. नीचे स्ट्रेच करेंगे. सर नीज से लगाने की कोशिश. वापस अप. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. ब्रीद इन, breathe out. Breathe in. Breathe out. Last time. Breathe in. And breathe out. Relax. Relax हो जाएंगे. दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप ले लेंगे. दोनों पैर खोल देंगे. हाथों को लॉक कर लेंगे. एंड रोटेशन. वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव. अपोजिट. वन, टू, थ्री, फोर, फाइव. रिलैक्स. रिलैक्स हो जाएंगे. पूरी बॉडी ढीली. ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. नेक्स्ट साइड टू साइड. फर्स्ट राइट साइड देन लेफ्ट साइड. राइट हैंड से राइट हैंड के पैर की टो को पकड़ लेंगे एंड अपोजिट. सेम एक्सरसाइज दूसरी तरफ से रिपीट करते रहना है. वन, टू, थ्री, फोर, फाइव. सारी एक्सरसाइज ब्रीदिंग के साथ ही करनी है. रिलैक्स. रिलैक्स हो जाएंगे. नेक्स्ट करेंगे दोनों हाथ ऊपर. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. डाउन एंड अप. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. वापस. ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड रिलैक्स. रिलैक्स हो जाएंगे. दोनों पैर मिला देंगे. नेक्स्ट करेंगे बटरफ्लाई.
बटरफ्लाई करेंगे, दोनों पैर मिले हुए, दोनों पैरों को जॉइंट कर लेना है एंड थाइस को अप डाउन, जितना हो सके उतना ऊपर। नेक्स्ट नीचे जाना है, ब्रीथ इन, नीचे जाके टोस से सर लगाने की कोशिश करेंगे एंड होल्ड। अप डाउन, अप डाउन, अप, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, डाउन, होल्ड करना है 5 seconds, 1, 2, 3, 4 एंड रिलैक्स, रिलैक्स हो जाएंगे, वापस बटरफ्लाई लेंगे। एंड नेक्स्ट एक पैर फोल्ड कर देंगे, दूसरा पैर स्ट्रेट, राइट लेग फोल्ड कर लेंगे, लेफ्ट पैर को स्ट्रेट रखेंगे, लेफ्ट हाथ ऊपर, स्ट्रेच देना है, डाउन, होल्ड, होल्ड करना है 1, 2, 3, 4 रिलैक्स। एक बार फिर से डाउन, धीरे धीरे डाउन जाएंगे एंड होल्ड करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड रिलैक्स, रिलैक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट बॉडी को ट्विस्ट कर लेंगे, जो पैर ओपन था उसे भी ट्विस्ट कर लेंगे, पूरी बॉडी ट्विस्ट, हैंड स्ट्रेट, ब्रीथ इन, स्ट्रेच देना है, बॉडी को पीछे ले जाना है एंड स्ट्रेच। नेक्स्ट डाउन, अप डाउन, अप डाउन, रिलैक्स। नेक्स्ट लेग को अप एंड डाउन करना है, अप डाउन, अप डाउन, 1, 2, 3, 4 एंड 5 रिलैक्स, रिलैक्स हो जाएंगे। अब बॉडी को पीछे पीछे स्ट्रेच देना है, स्ट्रेच देंगे बैक साइड, पूरा नेक पे स्ट्रेच आएगा, डबल चिन के लिए बेस्ट, होल्ड करेंगे एंड रिलैक्स। सेम एक्सरसाइज दूसरे पैर से, ये नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है जो कोई भी बिगिनर्स या आपकी बॉडी बहुत स्टिफ है वो लोग कर सकते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है, इसलिए मैंने सिंपल सिंपल लिए ताकि सब लोग कर पाए। सेम एक्सरसाइज दूसरे पैर से करेंगे, जो पैर से की थी, स्टार्ट करेंगे डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन एंड रिलैक्स, रिलैक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट बॉडी को ट्विस्ट कर लेंगे, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, रिलैक्स। नेक्स्ट पैर अप डाउन, 1,
5. रिलैक्स, बॉडी को पीछे बैक साइड ट्विस्ट करेंगे. 4. होल्ड करना है. 8. रिलैक्स, सामने आ जाएंगे. दोनों पैर स्ट्रेट, रोटेशन एंड रिलैक्स. इतना, इतने भी एक्सरसाइज अगर रोज की तो आपकी बॉडी धीरे धीरे बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएगी. ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज थी जो हम रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं. रिलैक्स हो जाएंगे. तो हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर स्ट्रेचिंग? ये थी थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज. इससे हमारी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, मसल्स एक्सपांड होते हैं, शरीर लचीला बनता है. अगर आप डेली इन एक्सरसाइज को रूटीन में ऐड करते हैं, कुछ कुछ एक्सरसाइज डेली भी कर ली, तो धीरे धीरे आप फ्लेक्सिबल होते जाए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे. बिल्कुल रिलैक्स. इतना हो गया. अभी आती है बारी प्राणायाम की. प्राणायाम, हम कौन से प्राणायाम करें? डेली हमारे पास तो इतना टाइम रहता नहीं है कि हम सारे प्राणायाम करें, सारी एक्सरसाइज करें, वार्म अप करें. इतना बिजी रूटीन है सबका. तो आज मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट प्राणायाम बताऊंगी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिन्हें कहते हैं, जो आप डेली रूटीन में, ये 3 भी प्राणायाम आपने किए तो आप स्वस्थ रहेंगे. पहला प्राणायाम भस्त्रिका. भस्त्रिका प्राणायाम हमने कल की योगा क्लास में सीखा था. दूसरा प्राणायाम कपालभाति, वो भी मैं आपको सिखा चुकी हूं. तीसरा प्राणायाम अनुलोम विलोम. बस ये 3 प्राणायाम अगर आप डेली कर लेते हैं तो आपके लिए, आपके इंटरनल ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे, लंग्स ओपन अप रहेंगे, डाइजेशन अच्छा रहेगा. इन 3 प्राणायाम को अपने रूटीन में जरूर ऐड करें. इसके अलावा आज जो मैं आपको एक और प्राणायाम सिखाने वाली हूँ, गर्मी बहुत है, हीट है, गर्मी का सीजन है, तो शरीर को ठंडा कैसे रखें? एक्सरसाइज करते हैं और एनर्जाइज और वार्म होती है बॉडी, तो गर्मी के दिनों में करने वाले प्राणायाम शीतली, शीतकारी और चंद्रभेदी. आज मैं आपको चंद्रभेदी प्राणायाम सिखाऊंगी. स्टार्ट करेंगे, सीधा बैठ जाएंगे, बिल्कुल सीधा, हाथों की चिन मुद्रा. किस तरह करना है चंद्रभेदी? चंद्रभेदी प्राणायाम से बीपी नॉर्मल रहती है, स्ट्रेस एंजाइटी कम होती है, माइंड रिलैक्स होता है. जिनको गुस्सा आता है बहुत ज्यादा, हाइपर हो जाते हैं, उनको तो बिल्कुल चंद्रभेदी प्राणायाम करना ही चाहिए. शरीर को ठंडक मिलती है. कैसे करना है चंद्रभेदी? राइट हैंड लेंगे, 2 उंगलियां इंडेक्स फिंगर के बाद, ये दोनों उंगलियां कपाल पे, ये लास्ट वाली उंगलियां लेफ्ट साइड पे और राइट साइड से, राइट अंगूठे को
यहाँ ऐसे ये ले लेंगे इस तरह से। अभी क्या करना है, लेफ्ट साइड से सांस को भरना है। और राइट साइड से धीरे 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 करके छोड़ देना। ब्रीद इन फ्रॉम लेफ्ट, ब्रीद आउट फ्रॉम राइट। चंद्रभेदी प्राणायाम में हमेशा लेफ्ट साइड से सांस ली जाती है और राइट से छोड़ी जाती है। लेफ्ट साइड हमारा ठंडा है, चंद्र नाड़ी, राइट साइड हमारा गर्म है, सूर्य नाड़ी। जिनको कफ की प्रॉब्लम रहती है, वो जिनको शरीर में गर्मी की जरूरत है, वो सूर्य नाड़ी यानी सूर्य भेदी करे। जिनको शरीर में ठंडक की जरूरत है, वो चंद्रभेदी, चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करें और शरीर को ठंडा, माइंड रिलैक्स करेंगे। करेंगे कुछ समय चंद्रभेदी प्राणायाम, बिल्कुल आराम से। ब्रीद इन फ्रॉम द लेफ्ट, ब्रीद आउट फ्रॉम द राइट। स्लोली स्लोली ब्रीद आउट करना है। ब्रीद इन फ्रॉम द लेफ्ट, ब्रीद आउट फ्रॉम द राइट। लास्ट स्ट्रोक, ब्रीद इन, ब्रीद आउट फ्रॉम द राइट। रिलैक्स, दोनों हाथों का घर्षण, गर्म हथेलियां आंखों पर। ये था चंद्रभेदी प्राणायाम। समय को देखते हुए यही आज की क्लास को समाप्त करते हैं। करेंगे समाप्ति प्रार्थना। आंखें बंद, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। मेरे साथ बोलेंगे, समाप्ति प्रार्थना करेंगे। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनम् मृत्युर्मोक्षीयमामृता। ॐ शान्तिः शांति शांति। स्लोली एंड ग्रेजुअली ओपन योर आईज। सो हाउ आर यू फीलिंग, कैसी लगी आज की क्लास? आपको एक बार फिर से योगा डे की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। योग करते रहे, योगा से जुड़े रहे और शरीर को स्वस्थ रखे, क्योंकि अगर हमारा शरीर ठीक रहेगा तो ही हम सारे रिश्ते अच्छे से निभा पाएंगे। तो सबसे पहले अपना ध्यान रखें, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। और प्लीज आज के वीडियो, आज की लाइव क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आगे आपको अगर ऐसे ही लाइव चाहिए, आपको कौन सी क्लास मुझसे सीखनी है, आपको अगर डायबिटिक इश्यू है तो मैं आपको डायबिटिक का योगा, या आपको वेट लॉस का प्लान चाहिए, जो भी आपको लगता है बेहिचक आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट करें कि हमें इस पे एक्सरसाइज वीडियो चाहिए। बिल्कुल
हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर है योग द्वार। इसी के साथ आज की लाइव क्लास को समाप्त करते हैं। नमस्कार।